सिद्धांत को जीवन में यह रखना है जो तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, पर धन पत्थर मानिए, पर स्त्री मात्र समान, इतने से हरी ना मिले तो तुलसीदास जमान। क्या यह बात गलत है? यह सनातन सिद्धांत है। मैं आपको मॉडर्न प्रसंग से, लॉजिक से यह बात बता सकता हूं। पर धन पत्थर मानिए, मतलब जो धन आपका नहीं है, इफ यू वॉन्ट टू मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल, जो धन आपका नहीं है उसे देखना भी नहीं चाहिए। स्पर्श या पालने की बात तो बहुत दूर रहेगी। डोंट इवन लुक एट इट। जो तीन प्रसंग मैंने आपको बताए, सत्यम के, सहारा के, किंग ऑफ द स्काइज के, अगर वे लोग ने ये बात तुलसीदास जी की मानी होती तो कि पर धन पत्थर मानिए तात जल में नहीं होती, ये माना नहीं उन लोगों। अगर किसी ने उनको बताया होगा उस वक्त, देखो तुलसीदास जी ने रामायण में ये बताया, कोई इस तुलसीदास, कोई इस रामायण, ये आजकल के बच्चे करते हैं, कोई इस तुलसीदास, कोई इस रामायण, इलेक्ट्रिसिटी जैसी बात है, कोई इस इलेक्ट्रिसिटी, प्लग में उंगली डाल पता चलेगा। उसी तरह हुई तुलसीदास, तुलसीदास ने जो कहा उसका उल्लंघन कर फिर पता चलेगा हुई तुलसीदास, ये हकीकत है। दूसरी बात कही, पर स्त्री मात्र समान, ये भी आज के जमाने में बहुत जरूरी है। कम वक्ता इस विषय पे बात करते हैं। आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आपको अपनी पत्नी के अलावा कोई भी स्त्री इस पृथ्वी पे, या तो आपकी लड़की है, आपकी बहन है, या आपकी माता है। ये विचार से, ये पवित्रता से जीना है और वर्तन रखना है।